जी सबसे पहले तो आपको ये दिखा दूं मैं, माँ मेरी देख ले। अच्छा पार्क में पहुंच चुके हैं, मैं आपको मुकम्मल वीडियो दिखाता हूँ। अम्मी साथ आई, अम्मी को जारी सी बात है ऐसे हाथ रख कर थोड़ा चलाना पड़ता है, तो पार्क के अंदर जहाँ जाकर बैठेंगे वहीं पर वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। बाकी मैं आपको मुकम्मल दिखाता हूँ, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये वीडियो देखकर जी। तो ये है जी शहबाज शरीफ फॉरेस्ट पार्क, पार्किंग इस तरफ है जी और पार्किंग फ्री है। वो गाड़ी मैंने खड़ी की है अपनी, एक कैरी डब्बा सुजुकी बुलान जो मैंने ली हुई है। अच्छा मैं फैमिली के साथ आया हूँ और ये पार्क बना हुआ हमारे इलाके से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। मैंने बोला चलो आपको भी दिखाता हूँ, अंदर से व्यू इसका दिखाता हूँ, एक दो कदीम चीज़ें हैं वो देखते हैं जी। तो वीडियो के शुरू में मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, और ये है जी वॉच टावर, आप लिखा हुआ देख रहे हैं। ये क्या चीज़ थी, मैं ऊपर वैसे कोई नाम वगैरह भी ऐसे आप किसी ने लिखा हुआ अपना पेंसिल से, ये वॉच टावर। एक तो ये आप देख रहे हैं मिट्टी का, इसको हम टाए भी बोल देते हैं, टाए और टिब्बा भी बोल सकते हैं आप। अच्छा ये दूसरी तरफ आगे ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये अभी काफ़ी नीचे हो चुकी है वक्त के साथ साथ, ज़ाहिर सी बात है। ये पहले मिट्टी की थी बिल्कुल, अभी इन लोगों ने अंदर से अभी मिट्टी की है, लेकिन बाहर से इसको हल्का फुल्का टीप किया है सीमेंट के साथ। है क्या चीज़ ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसके मतलब आप सुन लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आपको मुकम्मल हिस्ट्री का पता चल जाएगा। ये मुकम्मल हिस्ट्री लिखी हुई है, कदीम बहरा बुर्ज वॉच टावर, ठीक है जी, पिपली पहाड़ दिपालपुर ये लिखा हुआ, ठीक है। अभी ये हमारे गांव से काफ़ी दूर है, 35 किलोमीटर के फासले पर है। तो अभी मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ ये तमाम जो इसकी इबारत लिखी हुई है, आप खुद से फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये है क्या। अभी मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ मैं, और हिस्ट्री इसकी क्या है, ये है जी वॉच टावर आप जो देख रहे हैं, ठीक है। और अभी मैं इसकी हिस्ट्री आपको बताता हूँ। ये है जी वॉच टावर अकवाम की दफा हिकमत अमली में अहम करदार अदा करते हैं। इसका बुनियादी मकसद एक ऊंची और महफूज जगह की तमीर है, जहाँ से गार्ड मुहाफ़ मुजाफात के इलाका का मखसूस जंगी हालात से बाखबर और खुफिया अमला हमला आवरों की हरकत पर नज़र रख सकें। ये देखने की अभी जो हिस्ट्री देखने वाली है, 1227 में चंगेज़ खान की मौत के बाद, ठीक है, जब मंगोलों ने मुस्लिम दुनिया पर चढ़ाई की तो इन्हीं मंगोलों के कई हमलों का सामना करना पड़ा। 1258 में बगदाद में मंगोलों के जुल्म व बर्बरियत ने मुस्लिम हुक्मरानों को एक शदीद खौफ का पैगाम दिया, जिसके नतीजा में इन्होंने किसी भी बैरूनी हमला आवर के खिलाफ अपनी सरहदों को महफूज किया। धुली में ममलूक हुक्मरानों, दिल्ली लिखा हुआ सॉरी, और ये हेल लोगों ने दूसरी डाली हुई है, दिल्ली जो इंडिया में है, ममलूक हुक्मरानों खानदान ने गुलामा में ख़ास तौर पर 1266 में बैरूनी हमलावरों के हमलों को रोकने के लिए वार्डन की पोस्ट मुतारफ करवाई। इससे मुतअद्दद वॉच टावर बनवाने के साथ साथ किलों और कुओं की मरम्मत करवाई, नीज फौज की तरबियत की ताकि किसी भी मुमकिन हमला आवर को रोका जा सके। दीपाल मोर में भी इसी दौरान कई एक वॉच टावर बनाए गए। वॉच टावर पिपली पहाड़ भी इन्हीं में से एक है। फरोज शाह तगलक, ठीक है जी, देख ली 1351 तक ये बादशाह रहे हैं, ने इनकी रवायात को जारी रखते हुए मजीद वॉच टावर बनवाए ताकि मुमकिन मंगोल लश्कर कशी से हिंदुस्तानी हुकूमत को बचाया जा सके। वॉच टावर पिपली पहाड़ 22x26 फुट की एक मुस्ततील इस्लामी दार तरीही इमारत है, जिसकी सतह ज़मीन से ऊंचाई तकरीबन 28 फुट है। ये जो 28 फुट है जी इसकी ऊंचाई, इसकी चुनाई कच्ची मिट्टी की मखसूस साइज़ की ईंटों के साथ की गई है, जिनका साइज़ वगैरह लिखा हुआ है नीचे, जो भी है जी नीचे 2015 में ये शिवाशी साहब की तरफ से ये दोबारा बनाया गया, ये है वो है वो है। और उसके बाद नीचे एक चीज़ लिखी हुई है, महकमे आसार कदीमा हुकूमत पंजाब की तहकीक और हालिया खुदाई 2015 से ये बात साबित हुई कि ये वॉच टावर ममलूक खानदान ए गुलामा
1206 से 1290 तक इनकी हुकूमत रही है जी, के दौरे हुकूमत में तमीर हुआ और इसके बाद तुगलक, मुगल और अंग्रेज दौर में भी ये इस्तेमाल होता रहा। वाच टावर की खस्ता हाली को दूर करने के लिए महकमा आसारे कदीमा और महकमा जंगलात हुकूमत पंजाब ने मिलकर इसकी मुरम्मत, बहाली और महफूज बनाने का काम सर अंजाम दिया है। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप देख लें, मुकम्मल तहरीर है। अभी मैं आपको वाच टावर भी जाता हूँ ऊपर और दिखाता हूँ वहाँ से ऊपर से। तो ये है जी वाच टावर, ये नीचे से भी इसके राहदानी है, देख लें आप। मैं आपको पहले ये दिखा दूँ थोड़ा क्लोज करके, देख लें। फिर अभी मैं ऊपर जाता हूँ, नीचे से मिट्टी है, देख लें ऊपर इन लोगों ने हल्का फुल्का, देख लें मिट्टी है, हल्का फुल्का सीमेंट लगाया ताकि मिट्टी बारिशों से ख़त्म ना हो। अभी ये इसकी सीढ़ियाँ हैं काफ़ी बड़े टाइप की, ये देख लें, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस, बीस इसके पौड़े हैं जी, काफ़ी ऊंचाई है ऊपर से नीचे तक। ये है जी एक, ये तकरीबन झंडा लगाने के लिए इस्तेमाल होता होगा। बाकी इसकी दीवार देखने कितनी मोटी है, यहाँ से आपको एक मुकम्मल व्यू दिखाई देगा, देख लें जी पार्क का, ठीक है, ये पार्क का मुकम्मल व्यू यहाँ से देख सकते हैं। बात करने का मकसद ये है, ये उस दौर में इसलिए बनते थे कि यहाँ से भाई नज़र रखी जाए दूर तक, कोई भी किसी किस्म की नकलो हरकत तो नहीं हो रही है किसी बंदों की, यानी कि कोई अफवाह वगैरह जैसे कि आ जाती हैं, तो ये इसलिए बनाए जाते थे। एक कदीम चीज़ है जी, किस सन में बना, यानी कि 1200 तकरीबन 6 में बनाया जी ये, या इससे भी पहले 1206 का तकरीबन। तो ये इसकी हिस्ट्री है। अभी आज का देख लें आप, 2022 जा रहा है और ये 1206 का बना हुआ है। तो इस तरफ पार्क में है जी तरक्की घर, अभी हम ये देखेंगे इसमें क्या है। एक खूबसूरत किस्म का व्यू इस तरफ से आप देख लें, जो फूल लगे हुए हैं और दोनों तरफ और सामने है जी। अच्छा वेदर भी आज काफ़ी खूबसूरत है, बादल हैं ऊपर, धूप नहीं है इतनी जी। तो ये इधर है जी चाइना मुर्गी, अफ्रीकन परिंदा, खुराक फीड गंदम वगैरह इसके मतलब लिखा हुआ है, आप देख लें। अच्छा ये चकोर है, चकोरे हैं वाइट कलर की इसमें, आगे और भी हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो पार्क में थोड़ा आगे आए तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा जी मोर घर, इस तरफ है जी, चलते हैं देखते हैं मोर भी है या क्या है। मैं आगे जाऊँगा, यानी कि देख लेते हैं अंदर से, पार्क आगे काफ़ी बड़ा है, इंशाल्लाह आपको विज़िट करवाता जाऊँगा आगे। ये पाकिस्तान में यार आपको पता है एक चीज़, ग्रीनिंग ब्यूटी कमाल है यार, औसम है, इसमें कोई शक नहीं है जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नीला मोर इंडियन मोर की नस्ल है, आज़ाद हालत में नहीं पाया जाता। ओ बोले रंगदार खूबसूरत दूम वाला है, और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, देख लें वो ये बैठे हुए हैं अंदर, तीन है यहाँ पर। मैंने एक चीज़ देखी है जी मोर में, वो क्या आपको दिखाता हूँ मैं, वो इनका अंदर, वो अंदर दो बैठे हुए हैं लेकिन वहाँ पर एक ईक पड़ा हुआ है इनका अंडा, देख लें जी वो जी। तो यहाँ पर एक मुकम्मल लिखा हुआ है, हर नया लाघट है, कौस मीनार है, झील है, मुकम्मल शेड्यूल यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरफ पार्क देख लें, इस तरफ अच्छा यहाँ पर एक कंटीन भी है जी पार्क के अंदर, आपको मिल जाएगी, आप कोई भी चीज़ इससे खरीद सकते हैं, और हाँ थोड़ा महंगा मिल जाता है लेकिन गाड़ी अंदर आने की इजाज़त नहीं है, ये है जी गाड़ियाँ बाहर ही पार्क करनी पड़ती हैं। लेकिन अंदर मैंने एक आध गाड़ी ज़रूर देखी है, शायद वो इनकी हो जो यहाँ पर काम वगैरह करते हैं, तो इसलिए। बाकी मैं आपको जो चीज़ आगे इंशाल्लाह दिखाऊंगा वो झील एंड जो भी है जी, आगे कश्ती वगैरह उसमें चलती है वो देखते हैं, अगर चलती है, पिछली बार यानी कि काफ़ी पुरानी बात है जब तब मैं आया था उस टाइम जो वो चलती थी, अभी जाते हैं तो अभी देखता हूँ। ये है जी मस्जिद बनी हुई पार्क में, अच्छी चीज़ है, एक इस तरह बेंच देखने बैठने के लिए, और साथ में डेकोर वगैरह है। मस्जिद सदीक शबाज शरीफ फॉरेस्ट पार्क है जी, ठीक है, और ये है मस्जिद सदीक, और प्यारी माशाल्लाह बनाई गई है मस्जिद, अजान वगैरह नमाज वगैरह आप पढ़ सकते हैं, फ्रीज वगैरह बिछे हुए वजू के लिए जगह है, और ये शायद पानी पीने के लिए है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस पर पानी आ रहा हो जी, ऐसे ही है, पानी नहीं है इसमें।
बहरहाल इस तरफ कंटीन है जी, हम अगर इस तरफ आप जाएंगे तो आपको कंटीन मिल जाएगी, खाने पीने की चीज़ें फैमिलीज वगैरह आई हुई हैं घूम रही हैं। हम आगे जा रहे हैं, आपको दिखाता हूँ और व्यू जी। तो झूले पार्क में, अच्छा मैं इनके ऊपर बैठकर झूला भी लेता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ। ये देख लें दोनों तरफ, ये जहाँ पर आवाम बैठकर झूले लेती है नीचे स्पेस बनी हुई है, यानी कि घास नहीं है। तो आपको आगे मैं यार विज़िट कराऊंगा, एक दो चीज़ें आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, जो कि काफ़ी कदीम है वो काफ़ी खूबसूरत है। ये मैं बैठ गया हूँ जी ऊपर, और ये देख लें जी, और ये देख लें ब्रा ब्रा जी। तो यहाँ पर ना एक झील होती थी, मैं दिखाऊँ आपको, जब आज से तकरीबन सऊदी जाने से पहले की बात है, उस टाइम मैं उस तरफ से जाता हूँ अंदर, आपको दिखाता हूँ। ये देख लें यहाँ पर इसके मुतल्लिक मुकम्मल तफसील लिखी भी हुई है। पैडल बोट 30 रुपये फी कस है जी, मोटर बोट 50 रुपये फी कस है, ठीक है। लेकिन बाद में ये कश्ती रानी टिकट खार देख लें, बिल्कुल उजड़ चुका है, ख़राब हो चुका है। ये कश्तियाँ थी जी यहाँ पर, वो लोग निकाल कर कुछ ले गए, कुछ ये बची हुई हैं। उस टाइम जब आया था ना सऊदी जाने से पहले, उस टाइम इसमें पानी था, चलती थी, फुल थी, ये कश्ती का चक्कर लगाते थे कैसे वो आगे तक जाते थे लंबा, फिर वापस आते थे। अभी पानी इसमें खुश्क हो चुका है। ये पिछली गवर्नमेंट में बिल्कुल ठीक थी, जब से ये गवर्नमेंट आई थी ना खान साहब की, उस टाइम से ये उजड़ गया। हालांकि पहले गवर्नमेंट उनकी थी तो ये काफ़ी बेहतर होता था। अभी बहरहाल गवर्नमेंटों को भाई क्या मैं किसी को बोलूँगा, बंदों की अपनी भी तो गलती होती हैं। बहरहाल जो भी था जी देख लें, अभी ये झील वीरान हो चुकी है। तो यहाँ पर हरन है जी, मैं आपको दिखाता हूँ, एंड मोमो एंड बेबीज, तो आपको दिखाता हूँ मैं करीब से। देख ले जी, मैं शायद ये देख लें, ये बैठे हुए हैं, आगे से सूरज है यार, उस तरफ से इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा, वरना मैं आपको अच्छे से दिखा देता। देख लें ये बैठे हुए हैं, ये तो यहाँ पर हिरन है जी, चंकारा 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 हिरन। अब देखते हैं इस तरफ जाते हैं क्या कुछ दिखाई देता है। पीछे हिरन जो मैंने आपको पहले शायद दिखा दी है, इस वीडियो के बाद में दिखाऊंगा क्या, वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन इस तरफ मैं आया हूँ, बाहर बोर्ड तो लगा हुआ है, मैंने बोला अंदर से देखता हूँ, अगर कोई मिलता है तो आपको भी दिखाता हूँ जी। तो यहाँ पर एक बैठा हुआ है जी, वो अंदर आपको शायद दिखाई ना दे यार, अंधेरा है अंदर, रोशनी काफ़ी तेज़ है इस वक्त सूरज की, तो एक ही मैंने तो देखा है। लेकिन एक तो नहीं छोड़ते हैं, दो होंगे दूसरी तरफ, जो उस तरफ तो 4-5 थे, इधर 2 तो होने चाहिए।